कहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा चौपट है पूरा, सब कुछ चौपट कर दिया राजा ने, सबकी मेमोरी डाउन हो गई है, ऐसी नगरी में रहना नहीं चाहिए बेटा, चलो यहाँ से। कहा ना गुरुजी, हानि क्या है, लाभ ही लाभ है, हर रोज बढ़िया बढ़िया सस्ते में माल खाएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा ठीक है, नहीं मानते तुम यहीं रहो, अब मैं जा रहा हूँ इस नगरी से दूर, क्योंकि अंधेर नगरी है। हाँ बेटा, कभी विपत्ति पड़ जाए तो मुझको याद कर लेना, क्योंकि जहां कोई हिसाब किताब नहीं होता वहां पर विपत्ति आती ही आती है। इसलिए मैं तो जा रहा हूं, जब भी कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो तो मेरी याद कर लेना, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। गुरुजी चल दिए। अब चेला राम बढ़िया बढ़िया माल खाता सस्ते में, ओ हट्टा कट्टा हो गया दो चार महीने में।
गोपाल ने रोते हुए कहा, उस रुनाड निक्षण अंग्रेज ने रोते हुए यशोदा माँ का भाव कर रहे हैं कि माँ आप मुझको दर्शन क्यों नहीं दे रही है। वो तो भगवान थे ना। तो भगवान बोले माँ के आवाज में कि बेटा अभी मेरे मिलन का समय नहीं आया है, मेरी खुशी के लिए तुमको रहना पड़ेगा, मैं मिलूंगी तुमको एक दिन जब समय आएगा, अभी तुम भक्ति का प्रचार करो। देखो नीम भगवान ने तोड़ने नहीं दिया क्योंकि 12 साल से अधिक उसका नीम पुराना हो चुका था। उस दिन उसका नीम टूट रहा था इसलिए भगवान ने गुरु की आवाज में उसको जगाया और नीम के लिए प्रेरित किया। इसलिए अपना नियम टूटने ना पाए, मैं बहुत जोर लगाता हूँ इस बात पे, नियम तो सब करते हैं लेकिन दृढ़ता से नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा दृढ़ मान सा, दृढ़ मन से भजन में दृढ़ता आनी चाहिए। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, नाम जप में दृढ़ता होनी चाहिए। सब छूटे तो छूटे लेकिन नियम न टूटे। कर ले भजन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, होके मगन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, होके मगन तू कर ले भजन, करके यतन जपो ना नियम न टूटे चाहे सब छूटे, 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 बिगड़े बनेंगे सब काम जपो नाम 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 नाम, कर ले भजन तू कर ले भजन, के मगन तू कर ले भजन, करके यतन जपो ना। श्वास हरि नाम जपो, एक भी श्वास को व्यर्थ न खो, श्वास श्वास हरि नाम जपो, एक भी श्वास को व्यर्थ न खो, श्वास श्वास हरि नाम जपो, श्वास के मन के जप ले यतन से, श्वास के मन के जप ले यतन से, भजन आठो याम जपो नाम 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 नाम, कर ले भजन तू कर ले भजन, होके मगन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, होके मगन तू कर ले भजन, करके यतन जपो नाम।
बेला में क्यों रहा है सो, जगने की बेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह है अब काटना वो, फूलों की जगह अब काटना वो, जगने की बेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह अब काटना वो, जगने की बेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह अब काटना वो, दुनिया से जाएगा फिर पछताएगा, दुनिया से जाएगा फिर पछताएगा, भजन हो गे मगन तू कर ले भजन, करके अतन जपो ना, पिछले कर्म को तू अब राडो, हाय हाय करके तू अब राडो, हाय हाय करके तू अब राडो, पिछले कर्म को तू अब राडो, हाय हाय करके तू अब राडो, पिछले कर्म को तू अब राडो, हाय हाय करके तू अब राडो, संभल जा ऐसा कुछ कर जा, अब भी संभल जा ऐसा कुछ कर जा, आत्मा को मिले विश्राम, जपो नाम नाम नाम, कर ले भजन तू कर ले भजन, होगे मगन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, होगे मगन समझ कर चल सबको, हरि का समझ कर चल सबको, तीन दुखियों को खुशियां दो, हरि का समझ कर चल सबको, तीन दुखियों को खुशियां दो, हरि का समझ कर चल सबको, सबके अंदर है श्याम सुंदर, सबके टूटे चाहे सब झूठे, बिगड़े बनेंगे सब काम, जपो नाम 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 नाम, कर ले भजन तू कर ले भजन, होगे मगन तू कर ले भजन, कर ले भजन तू कर ले भजन, होगे मगन तू कर ले भजन, तू कर ले भजन, तू कर ले भजन। Thank you.
टूटे चाहे सब छूटे, क्योंकि आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, और जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। दुनिया तो छूटेगी, आज नहीं तो कल, और जाते समय छोड़ते समय तुम्हारी आत्मा यही कहेगी। जब दुनिया छोड़ोगे तुम्हारी आत्मा से यही आवाज निकलेगी कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के आज ना कोई हमारा। इसने चार दिन पहले भी छूट जाए तो कौन सी आफत आ गई। जो मिल के ना छूटे वो भजन है भगवान है। एक तू सच्चा एक तेरा नाम सच्चा, इसके सिवा जो भी कुछ मिला सब छूटने के लिए। बचपना छूट गया, धीरे धीरे जवानी भी छूट रही है, परे मुझसे अब तो मेरी जवानी होती जाती है, जिसे समझा था अपनी वो भी बेगानी होती जाती है। इसलिए अगर कुछ नुकसान भी होता हो तो होने दो, लेकिन नियम ना टूटे। राजा हरिश्चंद्र ने नियम लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सपने में भी झूठ नहीं बोलूंगा, ये नियम था। विश्वामित्र ने परीक्षा करी कि सपने में तो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, सपना तो कैसे भी आ सकता है, और हरिश्चंद्र महाराज कहते मैं सपने में भी झूठ नहीं बोलता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विश्वामित्र सपने में ही आ गए। राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे, सपना देख रहे हैं, क्या विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र ने कहा राजन मैं कुछ दान लेने आया हूं। महाराज जो चाहो सो लीजिए, क्या चाहिए। का मुझको चाहिए आपकी अयोध्या, आपका संपूर्ण राज्य, आज से मैं यहां का राजा हूं। महाराज दिया दिया दिया, आंख खुल गई। आंख खुली तो अपनी पत्नी को तारामती को कहा आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैंने राज्य दान कर दिया ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के लिए। अभी राज्य हमारा नहीं रहा, ये विश्वामित्र जी का है। तारामती ने कहा महाराज ये तो सपने की बात है। कहा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा नियम है कि सपने में भी झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वामित्र जी आ गए। इतने में जब विश्वामित्र आए तो राजा ने सपना सुनाया, महाराज स्वप्न में मैंने आपको राज्य दान किया है। विश्वामित्र ने कहा ठीक है आपने राज्य दान कर दिया, मेरा राज्य हो गया, लेकिन दान तब तक फलित तो नहीं होता जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती। दान के साथ में दक्षिणा बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ 101 रुपया दान करते हैं, 501 रुपया दान करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपये दान 1 रुपया दक्षिणा। दान भगवान का स्वरूप है और दक्षिणा भगवती का स्वरूप है। दान अगर विष्णु है तो दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। दक्षिणा के बिना दान फलित तो नहीं होता। हम कन्या का दान करते हैं और साथ में दक्षिणा भी देते हैं जिसको तुम लोग दहेज बोलते हो। दहेज मांगने की वस्तु नहीं होती, दक्षिणा मांगने की वस्तु नहीं होती, ये तो जितनी जिसकी श्रद्धा अपनी श्रद्धा से देते हैं। 500 रुपए दान करते हम साथ में 1 रुपया जरूर लगाते हैं, 501 रुपए का दान। 1100 रुपए दान करते हैं, 1000 रुपए का दान 200 रुपए दक्षिणा। गाय दान करते हैं साथ में दक्षिणा भी देते हैं। ब्राह्मण को भोजन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, भोजन कराते हैं, साथ में दक्षिणा भी देते हैं। बिना दक्षिणा के दान फलित तो नहीं होता। तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आपने दान तो कर दिया पूरी अयोध्या का, लेकिन ये दान फलित नहीं होगा जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे। अब आप दक्षिणा दो। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा कि गुरुदेव जितनी भी दक्षिणा मांगते हैं कोष से निकाल करके गुरुदेव को दक्षिणा दी जाए। विश्वामित्र